हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 9 बार बोनस शेयर्स देने वाला ये स्टॉक, जरा देखिए इसने इतनी बार बोनस स्टॉक दिया है, बोनस शेयर्स बांटे हैं। बहुत लोगों का फेवरेट शेयर होगा, आज की डेट में 60-65-70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब इसके प्राइस को देख के लालच में आप जरूर आओगे, कहोगे यार इतना सस्ते में मिल रहा है। लेकिन मेरी एक ही राय है, लालच में मत आना। क्यों? क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है, नो डाउट दिस इज अ चैंपियन शेयर, दिस इज अ वेरी गुड शेयर, मैं कहूंगा अल्टीमेट शेयर, हर तरीके से बेहतरीन है। बट अभी की कंडीशन है वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। अब आप कहोगे कैसे बिजनेस फ्रेंडली कैसे नहीं है? अब आप खुद सोचिए, जरा अपने आसपास देखिए। अब आप कहोगे आप चीजों को कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करके बता रहे हो। भाई ऐसी सिचुएशन में ओवर रिएक्शन इज द वेरी गुड थिंग। मैं आज से नहीं, पिछले 4 हफ्ते से, जब से चाइना के बाद इटली के केसेस बढ़ने लग गए थे, मैंने कंप्लीटली यहां पे कह दिया था लोगों से कि आप अपना पोर्टफोलियो बेच डालो। क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे दी थी कि सब कुछ बेच डालो, बहुत बड़ी चीज आपके सामने आने वाली है। और वो आज मैं इंडिया में देख पा रहा हूँ, आज मैं कह रहा हूँ, आज मैं इंडिया में देख पा रहा हूँ जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं वो आपके सामने खड़ी है। और इंडियन गवर्नमेंट ने संडे को प्रैक्टिस किया, लेकिन प्रैक्टिस किया है किसका? लॉकडाउन का। स्टेट्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। रेलवे की कैंसिलेशन आप देख लीजिए, बसेस बंद हो रहे हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, मॉल्स बंद हो रहे हैं, सिनेमा हॉल्स बंद हो रहे हैं, क्या बचेगा? वर्क फ्रॉम होम कह दिया, लोग जो डेली वेज वाला बंदा है, कैसे होटल्स आपने देखा होगा, सारे लोगों की जॉब्स जाने वाली है, एयरलाइन आप देख पा रहे हो, तो बहुत सारी चीजें। इन सारी सिचुएशंस को जरा सोचिए, समझिए, तभी आप शेयर मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा? जब कंपनी कमाएगी तभी कुछ आसार दिखेंगे, कमाएगी या फिर कुछ आसार दिखेंगे, कमाई होगी तभी यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे। सबसे बढ़िया टाइम यहाँ पे क्या है, अपने पैसे को जेब में डाल के रखो, या फिर आप इंट्राडे बेसिस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन नो लॉन्ग पोजीशंस, जो लंबे टाइम तक नो स्विंग ट्रेडिंग, नो पोजीशंस मैं कहूंगा अभी के टाइम पे। इवन अगर आप आज की डेट में कोई पोजीशन कैरी करते हो, कल कितना बड़ा गैप डाउन होगा आपको नहीं पता है। दिस इज क्लियर, किसी को नहीं पता है बॉटम कहाँ पे है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई कहता है 4,000 है, 3,000 है, 2,000 है, किसी को कोई भविष्यवाणी तो करता ही नहीं है। भाई यहाँ पे क्लियर कट जो संकेत दिख रहे हैं वो आप देख पा रहे हो, कंप्लीट लॉकडाउन की स्टेट इंडिया में भी आने वाली है। वो स्टेट आने वाली है क्योंकि अभी जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि नंबर्स बहुत कम है, क्योंकि जो लोग बाहर से आए या फिर उनके कांटेक्ट में आए, खाली उन्हीं की टेस्टिंग हुई है। जब और जगह जो फैला वहां तक इतने लेवल पे टेस्टिंग नहीं हुई है। बात करेंगे इस शेयर की, देखिए। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको नाम बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि आपको नाम नहीं बताया आपने। देखिए मदरसन सुमी, यानी कि ऑटो एंसिलरी की दुनिया का बेताज बादशाह मदरसन सुमी। क्लियर कट में बताना चाहता हूँ, मदरसन सुमी सिस्टम्स 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। कुछ टाइम पहले ये मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा था, लेकिन आज की डेट में देखिए कहाँ पे प्राइस आ चुका है, 66 रुपये के आसपास का प्राइस। मतलब शेयर में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप कहोगे यार इसकी तो बहुत सारी अभी न्यूज आ रही है, टारगेट दिया जा रहा है इसको 108 का, 110 का। मैं आपको टारगेट भी दिखाता हूँ, देखिए कहाँ टारगेट दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए मोतीलाल ओसवाल जी ने इसको 108 का टारगेट दे दिया। अरे भाई ठीक है, 108 का तुमने टारगेट दे दिया, अभी खरीदे कब? टारगेट तो भाई जब मार्केट रिकवर करेगी, 108 क्या 180 पहुंचेगा, नो डाउट पहुंचेगा, लेकिन मार्केट रिकवर तो करे। आप लोगों को अभी से ही, ये बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, ये लोगों को अभी से ही खरीदने के लिए करें, थोड़ा लेट खरीदिए। और यहाँ पे मेरा यही मानना है, एक रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से मैं वीडियोज आपके लिए क्रिएट करता हूँ, मेरा यही मानना है थोड़ा सा लेट खरीदेंगे कोई दिक्कत नहीं। आपने ये 60 पे नहीं खरीद पाए, आप 80 में खरीद लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका पैसा डूबना नहीं चाहिए। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी सेव योर मनी, ये मेरा मानना है। अब आप देखिए इतना बड़ा टारगेट तो दिया है मदरसन सुमी, नो डाउट इट्स, मैं कहूंगा वेरी गुड शेयर, जिस तरीके से इसने आपको इन्वेस्टर्स को माला माल किया। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मदरसन सुमी के शेयर में आप खरीदा कहां जाए। अब जरा ये देखिए, नो प्लान्स टू कट जॉब्स, मदरसन सुमी का कहना है कि कोई प्लान नहीं हमारा जॉब कट करने का। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये देखिए, इतना बड़ा टारगेट दिया है मदरसन सुमी का, जो नंबर्स हैं ये देखिए क्या कह रहे हैं। मदरसन सुमी सेज वेल प्रिपेयर टू डील विथ वायरस इंपैक्ट, देखें। और इसके अलावा ये इसको एक शॉर्ट टर्म थिंग मान के चल रहे हैं अभी मदरसन सुमी वाले, और कह रहे हैं कि भैया हमें ऐसा है कि अपने कुछ प्लांट्स ऑलरेडी ये बंद कर चुके हैं। द कंपनी विच गेट्स अबाउट क्वार्टर ऑफ इट्स रिवेन्यू, मतलब 25% रिवेन्यू यूरोप से आता है, और इस एरिया में इन्होंने
15 से 20 दिन के लिए अपने प्लांट जो है बंद कर दिए। जरा सोचे, 15 से 20 दिन तक प्लांट बंद करना मतलब अपने आप में आपको हो गया यार बहुत अच्छा खासा यहाँ पे नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी पॉजिटिव बात है, 27 प्लांट जो चाइना में है वो स्टार्ट हो चुके हैं, आर नाउ फंक्शनल। लेकिन कितने टाइम तक वो बंद रहे, एंड बट वन आर ऑपरेटिंग एट अबाउट 80% अटेंडेंस। अब देखिए चाइना में थोड़ा सा स्टार्ट हो गया काम, तो अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन अभी यूरोप पूरा बंद है, इंडिया भी ऑलमोस्ट अब लॉकडाउन की स्टेट में आएगा, तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल मुझे लगता है कि गिरावट नहीं, लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव बात मुझे टेक्निकल में भी यहाँ पे देखने को मिली। अब आप कहोगे आप ऐसे माहौल में लालच में मत आना तो कह रहे हो, और पॉजिटिव बात भी बता दें कि पॉजिटिव बात जहाँ पे देखने को मिलती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। बहुत कम स्टॉक्स ऐसे होते हैं, जैसा कि कल मैंने ITC का वीडियो आपको बना के दिखाया था, कि ITC की वीडियो में मुझे एक बड़ी खास बात दिखी थी। पिछला फ्राइडे यानी कि 13 मार्च के बाद इस वीक के चारों दिन में ITC के शेयर में ऐसी कोई गिरावट देखने को नहीं मिली थी, बल्कि बेसिंग की फॉर्मेशन, बेस बनना लग रहा था। और आज की डेट में देखिए कितना बढ़िया जंप आया, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का जंप मुझे देख, ऑल्दो पूरी मार्केट में जंप आया लेकिन वहां पे कंडीशन मुझे थोड़ा बेहतर लगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना गिर चुका था वो शेयर, मतलब ओवरसोल्ड पोजिशन में ऐसा टाइम आ गया था कि अब क्या कौन बेचेगा, मतलब सबने बेच दिया। एक सिचुएशन हर शेयर में ऐसी आती है कि सबने बेच दिया, कोई नया बेचने वाला बचा ही नहीं है, अब वही बेचेगा जिसने बिल्कुल लो पे खरीदा है, वो प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में बेच सकता है, ये सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं मदरसन सुमी को देखते हैं, ये तो हमने निफ्टी को देखा, अब मुझे मदरसन सुमी के हालात जो अच्छे लगे वो ये देखिए। पिछला फ्राइडे की बात कर रहा था मैं, देखिए पिछले फ्राइडे को यहाँ पे बिल्कुल 50 के पॉइंट पे ये गया, इस स्टॉक ने निफ्टी ने पिछले फ्राइडे के लो को तोड़ा, सबको तोड़ा, लेकिन इस स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ चेंज हो रहा है। इन 5 दिनों के अंदर मैंने यहाँ पे ज़्यादा बड़ा बॉटम देखा नहीं, 58 रुपये का लो मैंने देखा, कोई मतलब ज़्यादा बड़ा बॉटम, ये तो डेली डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कोई बड़ा बॉटम यहाँ पे देखा नहीं, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब इतनी बड़ी गिरावट के बाद नाउ दिस स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको कंसोलिडेशन देखना है। अब आप कहोगे हाँ यार ये बात तो हमें भी दिख गई है, मैंने इसीलिए आपको निफ्टी से इसका कंपैरिजन करवाया, ये ऑलरेडी इतना गिर चुका है, ऑल्दो एक्सपेक्टेशन हमारी थी कि और नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे पिछले 5 दिनों का जो मैं डाटा देख पा रहा हूँ मुझे बिल्कुल भी गिरावट नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी मैं कहूँगा एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिख रही है, और इस रेंज में ये ज़्यादा लंबे टाइम तक भी रह सकता है, लेकिन रेंज पार होना जरूरी है। अब देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, देखिए मैं आपको डिटेल में इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बेसिंग की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने हुए मिलती है, इसके लिए जो जिम्मेदार चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके चाइना के प्लांट ऑपरेशनल हो गए हैं, ये इसकी गुड न्यूज़ है, और टेक्निकल पे भी मुझे ये दिख रहा है। अब आप कहोगे बात तो सही कह रहे हो आप, अब बात आती है एंट्री की। देखिए अब इस स्टॉक में 5 दिनों से कंसोलिडेशन है, और कोई ये नहीं कह सकता कि कंसोलिडेशन कितने दिन चल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमको इसमें इस स्टॉक को लिखने की बारी आ गई है, इसको लिखिए समझिए। अभी फिलहाल आपको एकदम ज़्यादा एंट्री नहीं, अब देखिए पॉजिटिविटी जरूर दिख रही है लेकिन ज़्यादा एंट्री यहाँ पे लेनी नहीं है, अभी धीरे धीरे करके देखिए समझिए। मैंने कल भी आपको बताया था कभी भी स्टॉक जब अप ट्रेंड में जाए तब आप एंट्री लो, पोजीशन बढ़ाओ तो ज़्यादा बेटर, ये नहीं कि गिरते हुए में आप खरीदते रहे एवरेज करते रहे, भाई जितना एवरेज करोगे इससे अच्छा तो नीचे बॉटम पॉइंट पर खरीद लोगे सारा। जब एवरेजिंग करनी होती है तो यहाँ पे बड़ा शेयर कंसोलिड थोड़ा सा करेक्ट हुआ, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, करेक्टिव रिजॉल्व हुआ, आप पोजीशन बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात, यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस मिल चुका है। अब आप कहोगे स्टॉप लॉस क्या है, अगर इससे नीचे जाता है तो बेच दो, भाई इतना ही स्टॉप लॉस जो आपका है 59.58 का स्टॉप लॉस आपको मिल चुका है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से सोचते हो, ये आवरली का चार्ट है तो आपके पास हमेशा स्टॉप लॉस होता है, और अगर आपके पास स्टॉप लॉस है तो आप निकल सकते हो, आपको पता है इससे नीचे जाएगा। मैं यहाँ पे इससे नीचे, चाहे मुझे लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना है, मुझे इससे नीचे जाना ही नहीं है। और दूसरा स्टॉप लॉस अगर आप और डीप लगाना चाहते हो तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस है। अब बात आती है एंट्री कब करनी है, एंट्री का मुझे लगता है कि अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये 69.70 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये पार होता है तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखिए बिल्कुल स्टेज कैटेगरी का जॉइंट, मैं इसको कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद सबसे अच्छी बात तो जब ये 76 के लेवल को पार कर लेगा तो और भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है
क्योंकि अभी कंप्लीट चीजें हो नहीं रखी है, पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली। आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है इस स्टॉप लॉस का। विदाउट स्टॉप लॉस ऐसी वोलेटाइल मार्केट में एंट्री करना काफी टफ होगा, इस चीज को समझे। आपको इसलिए मैंने दो स्टॉप लॉस भी बताए हैं, और ऐसा ये दूसरा शेयर मुझे दिखा है आईटीसी के बाद, जहां पे ऐसा लग रहा है कि सारा माल बिक चुका है, और लेकिन ये कंसोलिडेट लंबे टाइम तक हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये रेंजेज बताई है। इसलिए रेंजेस बताइए, ध्यान दें, ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, ये मार्केट अभी काफ़ी करेक्टिव मोड में है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉल हुआ है और ये कंसोलिडेट होकर नीचे फिर गिर सकता है, इसीलिए आपके लिए ये स्टॉप लॉस भी बताया गया। लेकिन जो अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी वो निफ्टी से हल्का सा डिफरेंट चला है ये, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर निफ्टी गिरी है, ये गिरा नहीं है, तो इसलिए आपको ये शेयर थोड़ा हाईलाइट करके बता रहा हूँ। 9 बार बोनस दिया मदरसन सुमी ने, पॉजिटिविटी दिख रही है, टेक्निकल्स में भी दिख रही है, और चाइना से भी अच्छी खबर आ रही है, तो पॉजिटिविटी शेयर में आ सकती है आने वाले टाइम पे। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और लालच में नहीं आना है, स्टॉप लॉस के साथ जाना है अगर आप खरीद रहे हो कोई भी स्टॉक। बहुत ही वोलेटाइल एनवायरनमेंट है इंडिया के अंदर, बड़ी करेक्शंस बड़ी मार्केट में आएगी, अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी नीचे आएंगे और नीचे आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।